ऑस्ट्रेलियन रीजन mm -hmm. के अंदर जो कंट्रीज इंक्लूडेड हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड है न्यूलान पैसिफिक ओशन के अंदर जो आइलैंड्स आज हम लास्ट लास्ट्राफी हाँ जो जो रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन मैप के अंदर के ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है उसके बाद ये हमारे पास न्यू बोनिया आ जाता है ये इंक्लूडेड है और कुछ जो पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और उसके अलावा न्यूज़ीलैंड भी इंक्लूडेड सम साइंटिस्ट न्यूजीलैंड को इसका फाना थोड़ा सा डिफरेंट है उसकी बेस पर उसमें भी वो करते हैं लेकिन मैक्सिमम अभी तक इसकी कोई सेपरेट डिवीजन उस तरह से नहीं हुई है ज़्यादातर साइंटिस्ट इसको ऑस्ट्रेलियन रीजन के साथ ही इंक्लूड करते हैं और पहले जो कुछ आइलैंड्स थे सर स्लैब स्लब आइलैंड है यहाँ पे ये यह आपको नज़र आ रहा होगा अगर आप इसको जो पॉइंटर है इसको आप फॉलो करें तो ये जो रीजन है ये स्लैब आइलैंड्स हैं जो कि पहले ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर इंक्लूडेड थे लेकिन अब इनको भी जो है ये जो स्लैब आइलैंड्स हैं इनको ओरिएंटल रीजन के अंदर इंक्लूड किया गया है पहले जो था ये भी ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर इंक्लूडेड थे नेक्स्ट इसकी फिज़िकल फीचर्स की बात की जाए तो इसमें जो न्यू कनिया है या नॉर्थर्न पार्ट है ये हम देख सकते हैं कि ये जो है ये न्यू कनिया का आइलैंड्स हैं न्यू कूनिया और जो नॉर्दर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का ये इसके अंदर जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेटर है और ये इक्वेटर के साथ ही ये प्रेजेंट है यानी कि इनका क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल होगा और इसके अलावा यहाँ पे ये, ये कवर है लग्जूरियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से क्योंकि आपको पता है ये आईलैंड हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो हैं काफ़ी लगजूरियन फॉरेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है उसके बाद जो अगर हम साउथ साइड की बात करें ऑस्ट्रेलिया का ये हमारे पास साउथ साइड आ जाता है ये टेम्परेट क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट है इसका और इसमें वुडी फॉरेस्ट्स हैं और कुछ डेजर्ट्स भी हैं और अगर इंटीरियर पार्ट की बात करें ऑस्ट्रेलिया का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें भी हार्ट और एरिड प्लेन्स हैं और डेजर्ट्स हैं और न्यूजीलैंड का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट क्लाइमेट है ऑस्ट्रेलिया के अगर फाना की बात की जाए तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली वन थर्टी फोर टैरेस्टिल वर्टीब्रेड्स की फैमिलीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जिसमें से ट्वेंटी नाइन जो है यूनिक फैमिलीज़ हैं इस रीजन की जिसमें एट ममेलियन फैमिलीज हैं सेवनटीन बर्ड्स की फैमिलीज हैं टू रेप्टीलियंस और टू जो हैं एम्फीबियन की uh, जो फैमिलीज़ हैं इस रीजन के अंदर इंडामिक uh, फैमलीज़ हैं मेमेलियन फाना जो है उसकी अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेमेलियन फाना है वो काफ़ी यूनिक फ़ाना है उसको अगर कंपेयर करें वर्ल्ड के दूसरे जू जोग्राफिक रीजनस के साथ तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जैसा कि आपको पता है कि मेमल्स की हमारे पास फर्दर थ्री टाइप्स आ जाती हैं फ़र्स्ट हमारे पास प्लेसेंटल मेमल्स हैं प्लेसेंटल मेमल्स की अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर ये प्लेसेंटल मेमल्स जो हैं इतनी ज़्यादा इनकी स्पीशीज़ प्रजेंट नहीं है या आप कह सकते हैं कि एबसेंट हैं ये जिस तरह से हमारे पास जिराफ आ जाते हैं, मंकीस आ जाते हैं या इस तरह के और जो एनिमल्स हैं वो इस रीजन के अंदर जो हैं ये प्रेजेंट नहीं है उसके बाद सेकेंड जो मेमल आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं मोनोट्रीम्स या जिनको हम लोग एग लिंग मेमल्स भी कहते हैं फर्स्ट हमारे पास प्लेसेंटल मेमल्स थे और सेकेंड हमारे पास मोनोट्रीम्स हैं या एग लिंग मेमल्स हैं ये जो मेमल्स हैं ये एग ले करते हैं और उससे वो फिर एग हैच होता है और इस तरह से फिर यंग वन की क्या हो रही होती है बर्थ हो रही होती है और उसके बाद थर्ड जो हमारे पास टाइप आ जाती है मार्सोपियल मेमल्स की आ जाती है जिनको हम लोग पाउच मेमल्स का नाम भी देते हैं तो इस रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो प्लेसेंटल मेमल्स इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं हैं लेकिन मोनोट्रीम्स और मार्सोपियल्स मेमल्स जो हैं ये काफी ज्यादा अमाउंट में इस रीजन के अंदर प्रेजेंट हैं और डोमिनेंट हैं ये दोनों मोनोट्रीम्स एंड मार्सोपियल मेमल्स मोनोट्रीम्स में हमारे पास एग्जाम्पल प्लेटिप की, की एग्जाम्पल आ जाती है और इसमें जो में सॉरी जो हैं एगल बैंडिकोट है 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 वाला बीस हैं एंड कैग्रोस ये जो हैं ये काफी ज्यादा डोमिनेंट है, है मार्सोपियल इन मोनोट्रीम्स और काफी डिफरेंट भी हैं मार्सोपियल्स इन मोनोट्रीम्स वर्ल्ड के अंदर किसी और जू जियोग्राफिक रीजन के अंदर नहीं प्रेजेंट वहां पे आप जो कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं कुछ पिक्चर्स जो हैं देख सकते हैं जिसमें ये हमारे पास है मस्की रेड डियर है ब्राउन डारकऑपिस हैं बिलबी है उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है वाला भी है कैंग्रो ट्री कैंग्रो है एंड कॉला ये सारे हमारे पास जो हैं ये पाउच्ड में मल्कि एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं नेक्स्ट ये हमारे पास मोनोट्रीम्स हैं या जिनको हम लोग एग देते हैं ये हमारे पास डकबल प्लेटिपस है और ये किडना है ये दोनों जो हमारे पास मेमल्स हैं या इनको हम लोग मोनोट्रीम्स का नाम भी देते हैं है है। ये जो मोनोट्रीम्स हैं ये एग जो है वो ले कर रहे होते हैं और एग जो है वो हैच होता है और इस तरह से बेबी की जो है वो बर्थ हो रही होती है नेक्स्ट जो है अगर एवियन फाना की बात की जाए तो इसमें जो है सेवनटीन फैमिलीज़ जो हैं जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस रीजन के एंडामिक फैमिलीज़ हैं इसमें हम सब फैमिलीज़ को तो डिस्कस नहीं करेंगे फ्यू फ्यू जो कुछ फैमिलीज हैं या कुछ कुछ फ्यू स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे देखें कि जो मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे जिस तरह से कैसोबेरी है ईमो है कीवी है ये जो तीनों बर्ड्स आप देख रहे हैं ये तीनों फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं और कीवी जो है ये भी फ्लाइटलेस बर्ड्स है और ये न्यूजीलैंड के अंदर ये न्यूजीलैंड का एंडेमिक बर्ड है ये सिर्फ न्यूजीलैंड के अंदर ये बर्ड जो है ये पाया जाता है उसके अलावा अगर फीस वुड पैकर बाबिड्स और फिंचिस की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है और उसके अलावा पैरट्स और पिजन की काफी ज्यादा डाइवर्सिटी इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है मैं आगे चल के आपको पैरट्स एंड पिजन की कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी बड़े खूबसूरत पैरट्स जो हैं और पिजन यहाँ पे इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है अदर जो कॉमन बर्ड्स हैं सर किंग फिश एंड ट्रोगोन्स कुकोज एंड हनी लेटर्स ये भी इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है

एंडामिक um, फैमिली है इसकी जिस तरह से एंडामिक या आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव फैमिलीज हैं रीजन की जिस तरह से कैरिटो चैली है फर्स्ट जो फैमिली है इसकी तो इसमें कैरिटो चैली में हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक टर्टल की पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और ये जो पिक टर्टल है इसको पिग नोज आ, टर्टल का नाम भी दिया जाता है पिग नोज का टर्टल का नाम इसको क्यों दिया जाता है क्योंकि इसकी जो आप नोज देख सकते हैं इस टर्टल की वो सिमिलर है पिग से यानी कि जिस तरह से पिग में होता है कि फ्लैशी इसका नोज होता है और इसके जो है वो एंड पे प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये टर्टल जो है ये इसी तरह का है और ये स्पीशी भी सिर्फ जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है ये जो फैमिली है जिसमें हमारे पास ये पिग नो नोज टर्टल जो है ये आ जाते हैं उसके बाद सेकेंड जो फैमिली आ जाती है पीगो पोडीडी ये फैमिली जो है ये भी इंडामिक फैमिली है ये अगर आप देखें तो ये एक लीजर्ड है जिसको लगलेस लिजर्ड लीजर्ड का नाम दिया जाता है ये लगलेस लिजर्ड्स लीजर्ड्स हैं जिस तरह से आपने देखी होंगी कि उसके अंदर ज्यादा लिम्स आपने देखा होगा कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसके अंदर लिम्स जो हैं ये प्रेजेंट नहीं होते इस ये जो है इसकी कुछ सिमिलैरिटी है स्नेक के साथ या जैकुस के साथ इसकी सिमिलैरिटी है जिस तरह से स्नेक्स हैं स्नेक्स में जो है आईलिट्स like प्रेजेंट नहीं होते जैकुस के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होते तो इसी तरह से इस के अंदर भी ये एक लगलेस लिज़र्ड है इसमें आईलेट्स प्रेजेंट नहीं होते और लेकिन अगर इसके डिफरेंसेस देखें ये कि स्नेक से क्योंकि अगर आप इसकी शेप देखें तो हमें स्नेक की तरह ये दिख... दिखने में नजर आती है तो इसमें डिफरेंसेस इस तरह से हैं कि इसकी अगर हम देखें एक तो इसके जो एयर एयर है ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं एक ये डिफरेंस आ जाता है स्नेक से और सेकंड ये कि इसकी जो टंग होती है वो अनफॉगड होती है जैसा कि आपने स्नेक की टंग देखी होगी कि उसमें आगे उसके दो आप कह सकते हैं कि पोर्शंस उसके बने हुए होते हैं उसकी टंग के लेकिन इसमें ये अनफॉगड इसकी टंग होती है या आप कह सकते हैं कि स्नेक की फॉग्ड टंग होती है लेकिन इसकी अनफॉगड टंग होती है उसके अलावा इन फैमिलीस के अलावा इसकी तकरीबन जो है 250 स्मॉल लिजर्ड्स की फैमिलीस भी इसके अंदर प्रेजेंट है और उसके अलावा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पे क्रॉकोडाइल्स भी काफी देखने में मिले और न्यूजीलैंड के अंदर अगर हम बात की जाए रेप्टिलियन फाना की तो न्यूजीलैंड के अंदर ये काफी यूनिक बात है कि न्यूजीलैंड के अंदर स्नेक्स प्रेजेंट नहीं है स्नेक्स यहाँ पे एबसेंट हैं तो इसकी रीजन जो है ये एग्जैक्टली जाहिर सी बात है कि इतना आठ पहले जब कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुए हैं उस दौरान ही कोई इस तरह के इवेंट्स हुए होंगे लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनका बिलीव यही है कि न्यूजीलैंड में स्नेक ना होने की वजह ये हो सकती है कि जिस टाइम ये पीस ऑफ लेम जो है वो सेपरेट हुआ होगा तो वहां पे स्नेक की जो है वो स्पीशीज प्रेजेंट नहीं हुई होंगी या अगर स्नेक्स की स्पीशी कोई प्रेजेंट हुई हुई होंगी तो वो पेयर की फॉर्म में नहीं हुई होंगी या मेल हुआ होगा या फीमेल लेकिन अब तो न्यूजीलैंड के अंदर एक ऐसा लॉ बन गया है कि वो स्नेक्स को स्नेक्स जो है वहां पे रखना जो है वो बेन है अगर कभी शिपिंग के जरिए से कोई स्नेक वहां पे चला भी जाता है तो उसको किल कर लिया जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है तो न्यूजीलैंड के अंदर जो है कोई स्नेक स्पेशी प्रेजेंट नहीं है हालांकि उसकी अगर बिल्कुल क्लोज हम ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में तो काफी ज्यादा स्नेक्स जो है वो प्रेजेंट है लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर स्नेक्स प्रेजेंट नहीं और अगर रेप्टेलियन फाना की बात की जाए तो स्पिनोडॉन है वेरेनस है टॉयनक्स है टेस्टोडाइन टेस्टोड अलेकें, एलिगेंस है कैरेटा कैरेटा है कैमलिय मेबोया इस तरह के रेप्टाइल्स भी आ, इस रीजन के अंदर जो है वो देख यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरेनस है और स्पिनोडॉन है ये रेप्टाइल्स भी काफी कॉमन है इस ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर नेक्स्ट जो है अगर एम्फीबियन फाना की बात की जाए तो एम्फीबिया एम्फीबिया के अंदर जो है दो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक ए होता है और एक यूरोडील होता है यूरोडिला ए जो है एक इस तरह के एम्फीबियंस uh, होते हैं कि जिसमें टेल नहीं होती जिस तरह से ट्री फ्रॉग्स हैं 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 ये सारे जो इसमें टेल्स नहीं है एन यूर ऑर्डर के अंदर आते हैं और सेकंड जो ऑर्डर होता है यूरोडिला और यूरोडिला यूरो में उनमें टेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जिस तरह से हमारे पास न्यूट की एग्जाम्पल आ जाती है तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर एक तो कॉमन टोर्ड्स और जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं वो एबसेंट हैं इस रीजन के अंदर जो है ये प्रेजेंट नहीं है और इसमें ज़्यादातर जो कॉमन फ्रॉग्स हैं और ट्री फ्रॉग्स जो हैं इस रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है दो फैमिलीज जो हैं इस रीजन की एंडामिक फैमिली हैं जिस तरह से हाईलीडी है हाईलीडी फैमिली जो है ये इस रीजन की एंडामिक फैमिली है और इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं ट्री फ्रॉग्स आ जाती हैं ट्री फ्रॉग्स जो हैं इनका आर्बोरियल लाइफ होता है ये ट्रीज के ऊपर जो है वो रह रही होती हैं और सेकेंड जो फैमिली है आ, मायो बटरा की डी ये भी एंडामिक फैमिली है इसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड फ्रॉग्स आ जाती हैं इनकी इसमें जब हम फैमिली है तो इसमें और भी काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे एक एक मेंबर हम यहाँ पे मैंने आपको आ, आपके साथ इसकी पिक्चर्स शेयर की हुई हैं जिस तरह से इसमें हमारे पास मायो माओ में हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड फ्रॉग्स आ जाते हैं और इसमें इसका कोई मेम्बर भी उनका आर्बोरियल लाइफ नहीं होता यानी कि ट्रीज के ऊपर कोई भी इनमें से नहीं रह रहा होता ये ग्राउंड फ्रॉग्स की एग्जांपल में आ जाती हैं और इनकी एक यूनिक बात ये होती है कि इनकी कुछ स्पेशी माया की की वो गैस्ट्रिक ब्रूड्स होती हैं यानी कि वो अपने यंग वन की उनकी जो डेवलपमेंट है उनके स्टॉमक के, के अंदर हो रही होती है कि एक इसकी यूनिक बात है कि एक दो स्पीशी मेट्रो माओबेट्रागिडी फैमिली के अंदर ऐसी हैं कि जो कि उनकी जो यंग वंस हैं उनकी जितनी भी डेवेलपमेंट होती है वो उनके गेस्ट्रिक के अंदर हो रही होती है उनके स्टॉमक के अंदर हो रही होती है उसके अलावा एक और फैमिली हमारे पास आ जाती है बोनो बफोनिडी जिसमें हमारे पास कैन टोड आ जाते हैं और ये एक इंट्रोड्यूस फैमिली है ये आ, ये भी जो कैन टोड हैं ये भी इस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे टोड्स और जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं टोटली एबसेंट है अगर हम लोग एंडमिक स्पीशीज के हवाले से बात करें लेकिन ये जो फैमिली है बेफोनिडी जिस जिसमें कैन टोड आते हैं तो ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है इस रीजन के अंदर या दूसरे हमारे पास यूरोडिल आ जाते हैं ये हमारे पास एक ऑर्डर है एक फैमिली और एक ऑर्डर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस रीजन के अंदर जिसमें हमारे पास स्मूथ न्यूट्स आ जाते हैं फिश फाना की बात की जाए तो इसमें एक यूनिक फिश यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का नाम उसको ऑस्ट्रेलियन जो है लंग फिश का नाम दिया जाता है इसको हम लोग सिराटोडस भी कहते हैं तो ये जो फिशेज होती हैं यहाँ पे ये आपको फर्स्ट टॉप पे नजर आ रही होगी ये फिश जो है इसके ऊपर इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं और अगर पानी की कमी हो जाती है कोई दरिया कहीं कभी सूख जाते हैं वहाँ पे स्कॉसिटी हो जाती है वाटर की तो ये मॉइस्ट के अंदर भी जो मड होती है मड के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं ये मड के अंदर रहते हैं और ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ होता है कि होल किया हुआ होता है और एयर से ऑक्सीजन जो है वो ले रही होती है लेकिन मैक्सिमम फिशेज जैसा कि आपको पता है कि लंग्स के थ्रू सॉरी गिल्स के थ्रू ये रेस्पायर करती हैं लेकिन ये जो लंग फिशेज हैं ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करती हैं कि जब पानी की कमी हो जाती है उस दौरान तो कभी भी जो माहर होते हैं उन्होंने जब मछलियां पकड़ने जाते हैं तो वहां पे जहां पे होल्स बने हुए होते हैं तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पे अंदर जो है वो मछली होगी ये लंग फिश यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो ये जो लंग फिश है इसकी तीन स्पीशीज वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है एक ऑस्ट्रेलियन लंग फिश ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक साउथ अमेरिकन लंग फिश है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है और सेकेंड सेकेंड हमारे पास अफ्रीकन लंग फिश है ये आप अफ्रीकन लंग फिश को देख सकते हैं और थर्ड हमारे पास साउथ अमेरिकन लंग फिश है यहाँ पे ये

अगर इसको कंपेयर करें डिफरेंट रीजन के साथ तो काफ़ी यूनिक है ममेलियन फाना लेकिन कुछ और जो फाना है जिस तरह से बर्ड्स हैं फीबियन रेप्टाइल्स हैं वो दूसरे जिस तरह न्यूट्रॉपिकल या ओरिएंटल रीजन के साथ भी ये शेयर कर रहे होते हैं कुछ इसके मेम्बर्स ऐसे लेकिन इसकी इथोपियन रीजनस के साथ जो है वो काफ़ी कम रिजम्बलेंस है उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा ये रिजेंबल नहीं करती एंड दैट्स ऑल